सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं अपनी आगे की जर्नी के बारे में, जो कि कर्णप्रयाग से लेकर कौशानी तक की होने वाली है। दोस्तों, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं राइड करूंगा गढ़वाल रीजन से कुमाऊं रीजन में। डिस्टेंस की बात करें तो अभी मुझे डिस्टेंस तय करना है, अराउंड 110 किलोमीटर मुझे अभी तय करना है डिस्टेंस। दोस्तों, कर्णप्रयाग के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन को कनेक्ट करने में। तो ये कनेक्ट करता है NH 109 के थ्रू। पीछे वाला जो नजारा देखा वो था पिंडार वैली का व्यू, काफी शानदार व्यू था। दोस्तों, होप करता हूँ आपको पसंद आएगा। नीचे कमेंट में करके बताइए आपको व्यू कैसा लगा। और वहां तक रोड की कंडीशन काफी अच्छी थी, अब जो रोड की कंडीशन है तो थोड़ा एडवेंचर फीलिंग देखने को मिल रही आगे। और हम अब इस समय क्रॉस कर रहे हैं थराली गाँव है शायद, और एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो रोड की बात की जाए तो काफी ज्यादा कहीं कहीं आपको काफी बहुत ही अच्छा रोड मिल जाएगा, तो आप वहां पर खींच सकते हैं। और कहीं कहीं आपको इस तरह का काम मिलेगा, तो काम चलता हुआ मिलेगा, पर आप कोशिश कीजिएगा। आप अपना, मैं यहां पर टाइम की बचत करके यहां पर अपनी बाइक निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा पहाड़, यहां पर पहाड़ काटा गया है और साफ किया गया है, इसके ऊपर रोड बनेगा। तो यहां पर मैंने कोशिश करी है, थ्रॉटल देते हुए अपनी बाइक को निकाला है, तो कोशिश की यहाँ पर बाइक निकालने की, और आखिरकार मैंने अपनी बाइक निकाल ली यहाँ से। तो रोड का जो बात करें वो काफ़ी ज़्यादा आपका पतला रोड है और पूरा स्लश है और ऑफ रोड टेरेन है आपको, और पत्थर के टुकड़े मिल जाएंगे जो कि आपकी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। पंचर का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो रोड काफ़ी स्टीप हो गया है और ये सारा जो पत्थर पड़ा हुआ है वो पूरा मशीन से कटा हुआ है, पहाड़ काटे गए हैं तभी ये जाके रोड बने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें चौड़ा रोड देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से आप लोग गाड़ी चलाएं और स्लश का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो सकते हैं। और कोई गाड़ी निकल ली तो उसको पहले निकलने दें, क्यों नहीं तो आपके ऊपर पूरा कीचड़ आ सकता है। ये जो काम चल रहा है पूरा चारधाम रोड प्रोजेक्ट है, ये काफी सालों से ये काम चल रहा है। तो ये जो रोड बन रहा है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम चल रहा है पूरा। अगर कोई भी गाड़ी बड़ी आपकी सामने रहती है तो आप उसको इशारा कर दें, आप डिपर दे दें या फिर आप हॉर्न दे दें, तो वो समझ जाएगी जैसे कि यहाँ पर ये गाड़ी रुक गई थी मेरे लिए। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों काम चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं मिलता हूँ जब ये काम ख़त्म हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर मैं यार हॉर्न दे के इशारा करना की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे निकलने दें, वैसे ही मैंने पीछे इतना सारा वेट किया, अब मैं यहाँ पर वेट करना मेरा जायज़ नहीं रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो स्लश कितना ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक मेरे हाथों होती है तो पूरी बाइक नीचे स्किड कर सकती है और पूरा मैं कीचड़ में सन जाऊँगा, तो मैं ये नहीं चाहता। और छोटी छोटी वाटरफॉल्स भी बीच बीच में देखने को मिल जाएगी, रुक रहा है पानी कैसे रुक रुक के जा रहा है। तो यार इसके लिए अगर ये जो अथॉरिटी इनके लिए बना रही हैं तो उसको पहले सोचना चाहिए था यार, वाटर स्ट्रीम जितनी भी है नेचुरल वाटर स्ट्रीम तो उनको स्पेशली नीचे से ही निकाल देना चाहिए था। काफ़ी जगह इन्होंने किया भी है तो आप कर कह सकते हैं।
जो जो सामने व्यू देख रहे हो, ये व्यू है, यहाँ से ये व्यू पॉइंट है शायद, तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। त्रिशूल वाली चोटी है जो कि हिमालय की एक तरह से चोटी कहलाती है, वो हमें कौशानी से ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। तो बाइक की बात करें तो रिस्पांस काफी अच्छा है मेरा, तो हैंडलिंग काफी अच्छी हो रही है इससे, हैंडल से। और टायर्स मैंने राल्को के मैं यूज कर रहा हूँ, राल्को के ऑफ रोडिंग और टूरिंग के पर्पज से इन टायरों को लिया था। और इसके पहले मैं स्टॉक टायर्स को यूज़ कर रहा था, तो इन टायर्स की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी, एक्सपीरियंस जो रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है। हैंडल बार की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अभी तक का जो एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मेरा अब तक। यहाँ पे एक तरह की सीमा यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है जो कि गढ़वाल रीजन की थी, तो गढ़वाल रीजन से हम लोग अब एंटर कर रहे हैं कुमायूं रीजन पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि मैंने अब तक का राइडिंग, मेरी यहाँ तक की राइडिंग काफ़ी अच्छी जा रही है और कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक फेस करने को नहीं मिली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एकदम ऐसा फील हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जो रोड है वो पूरी जंगल के बीच से निकल रही है, बगल में हमारे पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं ये, कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ रही है आंखों पर, तो आपको भी कैमरे में देखने को मिल जाएगा कभी कभी जो सनबर्स्ट हो रहा है वो कभी छिप रहा है पेड़ों की छांव से और कभी आंखों पर पड़ रहा है मेरे। तो यार ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और ये राइडिंग का बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पार्ट है हमारे लिए, तो काफ़ी इंस्पिरेशन भी देता है और इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन ढूंढना, ये भी आप हमारे, हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो सामने मुझे एक फॉक्स देखने को मिल रही है, वो क्रॉस कर गई है पूरा, तो आपको कैमरे में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी वगैरह मुझे देखने को ज्यादा नहीं मिल रही है, बहुत ही कम गाड़ी निकल रही है। शायद ऐसा है कि आज महीने का लास्ट डे है तो लोग कम आज ट्रेवल वगैरह करते हैं और मार्केट्स वगैरह जो होती हैं महीने के लास्ट दिन में, तो वो मुझे पूरे रोड में बंद मिली है ज्यादातर, तो बहुत ही कम दुकानें खुली हैं। यूजफुल चीजें जो कि काम पड़ने वाली चीजें हैं वो दुकानें आपको रास्ते में खुली मिलेंगी, जैसे होटल्स वगैरह हैं और बाइक की टायर की पंचर की शॉप, ये सब वगैरह आपको खुली मिलती हैं। आप अगर बाइक को पूरा लोड करके चलते हैं और आप राइड पे जा रहे हैं और हेलमेट वगैरह पूरे राइडिंग गियर सब फिट हो, तो सब लोग आपको इसी तरह देखते हैं, तो यार ये अच्छा भी लगता है इस तरह हम लोगों को कोई देखता है। वैसे तो घर में देखने वाले, वैसे अगर ऐसे फिरते हैं तो कोई देखने इतनी अटेंशन हमें देता नहीं है, तो चलो यहाँ पर ही इतनी अटेंशन मिल रही है तो बहुत काफ़ी है। आज का जो स्टे मेरा होने वाला है वो कौशानी में ही मैं स्टे करूँ आज रात को। यहाँ पर मैंने इसलिए राइड करने का सोचा था क्योंकि यहाँ से हमें जो हिमालयन रेंजेस की जो सारी चोटियाँ हैं वो एक साथ देखने का मौका मिलता है, तो कोशिश करूँगा आप लोगों को भी वो दिखाऊँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो,
मुझे लग रहा है शायद मेरा पीछे वाला बैग गिरने वाला है, तो मैं यहाँ पर बाइक को रोकता हूँ और इसको पहले ठीक करता हूँ। जो मेरी बंजी कॉर्ड है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और काफ़ी दिनों से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, अब उसका वक्त आ गया है टूटने का। तो लेकिन अभी टूटेगी नहीं, काफ़ी चलेगी। ये रस्सियाँ मल्टीपर्पज़ होती हैं, उनके काफ़ी तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप राइडिंग कर रहे हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास मस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम कौशानी आ चुके हैं और अब मुझे यहाँ पर स्टे का ऑप्शंस देखना है, मैं कहाँ रुकूँगा। टॉप में जो होटल हो वहाँ पर रुकने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ प्राइड सुमित साइनिंग ऑफ़।